चलो यहाँ पे छोटा सा डाउट है फोर फीचर से रिलेटेड। सबसे पहले ध्यान दो को, पे अटेंशन सबका ध्यान यहाँ। फोर फीचर कब होता है कोई भी शेयर? इतना तो हमें पता है कि सर जब पैसा नहीं देता, कौन सी नरेल वाला सीन, कि हमने पैसे मांगे बट मिले नहीं, तो उसे कहते हैं फोर फीचर। ओके ध्यान दो यहाँ पे, फोर फीचर का एंट्री क्या होता है? तो दो एंट्री होती है, या पहला एंट्री तो ये देखो, शेयर कैपिटल। मैं क्या लिख रहा हूं इसे देखो, शेयर कैपिटल, इसको हमेशा यूजुअली तो क्रेडिट ही जाता था। कैसे? पहले वो बताता हूं, जब मैं बोल रहा हूं क्रेडिट जाता था तो हम लोग क्या लिखते थे, देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जब अलॉटमेंट का पैसा मांगते थे, टू क्या लिखते थे बेटा, शेयर कैपिटल। तो टू मतलब शेयर कैपिटल को क्या गया यहाँ पे, क्रेडिट, है ना। फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट पैसा आ जाता था। फिर आप बोलोगे फर्स्ट कॉल, तो वे भी एंट्री क्या होता था, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे भी ऑब्जर्व करो, शेयर कैपिटल को डेबिट आ रहा है कि क्रेडिट आ रहा है बेटा, क्रेडिट ही आ रहा है। लेकिन जब कोई भी शेयर फोरफिट हो जाता है, जब्त हो जाता है, तो उस वक्त आप शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या देते हो बेटा, डेबिट। और कॉल अमाउंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल अमाउंट का मतलब क्या है, ध्यान से सुन। मैंने शेयर 100 रुपए का इशू किया, कितने का बेटा, 100 का, जिसपे एप्लीकेशन मनी था 20 रुपया, अलॉटमेंट मनी था 30 रुपया, फर्स्ट कॉल था 40 रुपया, और फाइनल कॉल कितना होगा फिर बोलो तो, 10 रुपया। ऐसे बाइफरकेशन था, ठीक है। और मैंने 1000 शेयर इशू किए थे, कितने किए थे, 1000। ये 1000 शेयर इशू भी हुए और फुल्ली सब्सक्राइब भी हुए। तुमको क्या कहा जाता है पता है, इसमें से जिस व्यक्ति के पास 100 शेयर थे ना, 100 शेयर, उससे हमने फाइनल कॉल मांगा बट उसने पैसा नहीं दिया, ऐसे कहते। तो बच्चा बोलता है सर अब एंट्री क्या करना, हमें ये तो पता है कि शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट जाएगा, टू अब क्रेडिट किसे जाएगा सर, टू शेयर, एक तो फोर फीचर को जाएगा, फोर फीचर। लेकिन फोर फीचर का मतलब क्या, जितना पैसा मैंने जमा किया। बेटा याद रखना, कितने लोगों ने पैसे नहीं दिए, 100, तो अब आप 1000 से कभी मल्टीप्लाई नहीं करोगे फोर फीचर का एंट्री। जिन्होंने पैसे नहीं दिए ना, उतने ही लोगों से आपका कंसर्न है, बाकी जिन्होंने दिए उससे कुछ लेना देना नहीं। तो अब मुझे बताओ कितना पैसा आ गया था, 10 रुपया अगर नहीं दिया तो कितना पैसा दे दिया होगा बोलो तो, मुझे उसने 20 प्लस 30 प्लस 40, ये टोटल 90 रुपीज उसने क्या किया होगा, दे दिया होगा। तो शेयर फोर फीचर में क्या पोस्ट करना है मुझे, 100 × 90, ना कि 1000 × 90, क्योंकि 1000 लोगों का कोई सीन था ही नहीं, उसमें से 100 लोगों ने नहीं दिया तो फोर फीचर के 100 का एंट्री होगा। फोर फीचर मतलब जब जितना आ गया था उतना मैं जब्त करूंगा, तो कितना जब्त हो गया सर यहाँ पे, 9000। टू क्या, एक तो कॉल सिनेरियो लिखो, नहीं तो शेयर फाइनल कॉल लिखा तो भी चलेगा कि मैंने मांगा बट मिला नहीं, शेयर फाइनल कॉल। कितना रुपया नहीं मिला बेटा, 100 रुपए पे 10 रुपया मांगा बट नहीं मिला, तो ये कितना हो गया, 1000। टू शेयर कैपिटल, कितना डेबिट हो जाएगा, 10000 हो गया। शेयर फोर फीचर का तो यही एंट्री होता है, री इशू का जाने दो बाद में, लेकिन फोर फीचर का तो यही एंट्री होता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है समझो, सेम है, सेम चीज बता रहा हूं, सम भी सेम है। 1000 शेयर मैंने इशू किए थे, कितने लोगों, 1000 लोगों ने सब्सक्राइब सब हो गया, लेकिन 100 लोगों ने, 100 शेयर जिनके पास थे उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, ठीक है, मैंने एप्लीकेशन मांगा उन्होंने दे दिया, अलॉटमेंट भी आ गया लेकिन फर्स्ट कॉल आया नहीं, मैंने फाइनल कॉल मांगा ही नहीं। आई रिपीट, और ये सब में ऐसा बहुत कम समय, मैं सब बताऊंगा, ध्यान से जो मैं क्या बोल रहा हूं वो समझो, मैंने फाइनल कॉल मांगा ही नहीं। तो कॉल कितना किया था, कॉल्ड कितना था, कॉल्ड 20 रुपया मांगा था, यस, 30 रुपया मांगा था, यस, फर्स्ट कॉल मांगा, यस, क्या मांगा ही नहीं, फाइनल कॉल मांगा ही नहीं, तो कॉल्ड कितना था, 90। तो याद रखो यहां पे, आप एंट्री क्या करोगे पता है बेटा इस केस में, एंट्री तो सेम ही रहेगी, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ अमाउंट में क्या बदलाव आएंगे देखो, अमाउंट में ये बदलाव आएंगे सर, आपने मांगा कितना था टोटल, 90, ये 10 तो मांगा ही नहीं था ना, तो कॉल्ड अप 90 हुआ। एनीवेज आया कितना था अभी,
50, क्योंकि अलॉटमेंट तो आया, ये फर्स्ट कॉल तो आया नहीं, तो 50 आया, तो यहाँ पे क्या होगा, 100 × 50, तो कितना हो जाएगा ये 5000। कितना नहीं आया, मांगा था लेकिन नहीं आया, 40 मांगा था बट आया नहीं, तो 100 × 40 कितना हुआ 4000। ये 10 मांगा था क्या बेटा, नहीं, उससे पहले ही फोरफिट किया, तो खत्म। शेयर कैपिटल को डेबिट भी कितना आएगा अभी, 100 × 90 दैट इज 9000, तो ये भी 9000, ये भी 9000, समझा क्या। इधर बहुत बार बच्चों को प्रॉब्लम होता है, और बहुत छोटा है लास्ट के सब में जो कॉल्ड वाला दिया है। कॉल्ड मतलब जितना मांगा है ना, जो नहीं मांगा उसको अरियर बोलेंगे ही नहीं, मांगा 90 था तो 90 तक विषय क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या। पहले सब में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, दूसरे में आता, सर वापस एक बार आप बताते क्या कैसे कर रहे हो। अभी चलो मैं बोल रहा हूँ कि 1000 शेयर वाला बंदा है जिसने शेयर लिया 100 रुपए, ठीक है बेटा, और फोरफीचर का तो एक ही एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 शेयर फोरफीचर 2 जो कॉल सिनेरियर है, मतलब जो आना बाकी है। तो 1000 शेयर थे, एप्लीकेशन मनी था 25 रुपया, अलॉटमेंट मनी था 30 रुपया, फाइनल फर्स्ट कॉल है 15 रुपया, कितना हो गया बेटा ये 15, ये हो गया 30 60 70, और फाइनल कॉल कितना हो गया 30, देख लो 100 हुआ क्या टोटल। हाँ सर, अब क्या हुआ, ये था एप्लीकेशन मनी, ध्यान से सुनना, ये है अलॉटमेंट मनी, ये है फर्स्ट कॉल, और ये क्या है फाइनल कॉल। ये क्वेश्चन में दिया होता, क्वेश्चन में अगर बोला कि मैंने एप्लीकेशन मनी तो आ ही जाता है, वो आ गया, अलॉटमेंट मनी भी आ गया, फर्स्ट कॉल मांगा दिया नहीं, फाइनल कॉल भी मांगा बट दिया नहीं, तो मांगा कितना है पूरा का पूरा 100 कैलकुलेशन आता, इसे कॉल्ड अप मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉल्ड। आप एंट्री क्या करोगे फोरफीचर का, आप एज यूजुअल करोगे शेयर कैपिटल को डेबिट की क्रेडिट, बेटा फोरफीचर के कोर्स में केस में हमेशा आता डेबिट, यहां पे अमाउंट मत देखो, रुक जाओ, टू शेयर फोरफिट। अब फोरफीचर का मतलब क्या, जितना पैसा तुम्हारे पास आ गया था, इस केस में इतना पैसा तुम्हारे पास आ गया है 1000 शेयर पे, तो बोलो 1000 × कितना करो मल्टीप्लाई 50, तो ये कितना हो गया 55, तो ये कितना हो गया 55000। बोलो ये करेक्ट है क्या बेटा, ये कितना हो गया 55000। हाँ सर, अब कितना पैसा आया नहीं लेकिन तुमने मांगा था, मांगा तो था बट आया नहीं 45, तो इसे बोलता हूं टू, एक तो कॉल सिनेरियो बोलो, नहीं तो लिखो ऐसे जो टेक्स्ट बुक में लिखते हैं, टू फर्स्ट कॉल टू फाइनल कॉल, ऐसे लिखा तो भी चला, इन दोनों को ऐड करके कॉल सिनेरियो लिखा तो भी चलेगा, ऐसे लिखना है तो इनका अमाउंट से प्रिसेप्टेड लिख देना, 1000 × कितना बेटा 15, तो ये हो गया 15000, और 1000 × कितना राजा 30, ये हो जाएगा कितना 30000। इन सबका टोटल जो क्रेडिट का होता है वही किसका होना चाहिए डेबिट का, तो इन तीनों का टोटल आप कर लो तो वही होता है 1000 × 100, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1,00,000, समझा। लेकिन यही क्वेश्चन, अब मैं इसको बहुत सिंपल कर देता हूं, यही क्वेश्चन उन्होंने क्या किया देखना, इसी क्वेश्चन को उन्होंने एप्लीकेशन 25 तो आ ही जाता है तो आ गया था, उन्होंने अलॉटमेंट मनी मांगा 30 रुपया वो भी आ गया, फर्स्ट कॉल मांगा 15 रुपया वो नहीं आया, और उन्होंने बोला आगे का मांगना ही नहीं है, कट कर दो विषय इधर, फाइनल कॉल था लेकिन फाइनल कॉल मांगा ही नहीं 30 रुपया, बोले इधर ही विषय खत्म, इस स्टेज पे हम फोरफिट करेंगे। अब मुझे बताओ ये 15-30 मांगा था क्या, नहीं, इस केस में एंट्री करो, एंट्री तो सेम ही रहेगी, एंट्री वही होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री तो सर लर्न हो गई बच्चों की, टू शेयर फोरफीचर। अब मुझे बताओ फोरफीचर मतलब क्या, जब कितना पैसा आ चुका था 55, तो 1000 × 55 कितना होता है राजा 55000 हो गया, टू फर्स्ट कॉल, बराबर ना, मांगा लेकिन आया नहीं, 1000 × कितना था फर्स्ट कॉल बेटा 15, कितना 15000। अब क्या मैं सेकेंड कॉल फाइनल कॉल करूं क्या, नहीं, क्योंकि मांगा ही नहीं, तो खत्म। अब इन दोनों की टोटल देखो कितना हो जाता, मतलब इन दोनों की टोटल कर लो 70000 हो जाता, तो खत्म। यहाँ पे फोर फीचर को भी कितना आएगा 70, दैट्स ऑल, डरने की कोई बात नहीं, इतना ही है। और रीइशू का तो अभी देखो, फोर फीचर खत्म हुआ क्या, अब फोर फीचर का इतना ही है। रीइशू का गेम क्या बेटा, रीइशू में वो लोग क्या कहते हैं, वो आपको बताते हैं कि सपोज ये वाला रीइशू करता, ठीक है, ये 1000 शेयर रीइशू करता, कितने आ चुके थे 50, लेकिन शेयर कितने का था 100, तो उन्होंने क्या किया, हमने 100 रुपए का जो शेयर था वो 1000 शेयर रीइशू कर दिए 80 रुपीज पे, कितने पे 80, तो अब मुझे बताओ कितना डिस्काउंट आया 20 रुपए, है ना,
₹20 डिस्काउंट है एनीवेज। लेकिन जब 1000 शेयर 80 में बेचे तो पैसा तो आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ये री इश्यू का एंट्री बोल रहा हूं। कितना 1000 इंटू कितना आया बेटा 80, तो ये 80,000 आ गया। तुम्हारा डिस्काउंट कितना था 20, लेकिन री इश्यू में तुम डिस्काउंट को डेबिट देते नहीं, किसको डेबिट देते, शेयर फॉर फ्यूचर को डेबिट देते। कितना बेटा 1000 इंटू कितना 20, तो कितना हो गया 20,000, ठीक है 20,000 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को यहां पे बराबर रीइश्यू किया तो क्या चला गया क्रेडिट, कितना अमाउंट चला जाएगा बेटा 1,00,000। लेकिन रीइश्यू फोरफिट करने के बाद, रीइश्यू होने के बाद दो तो एंट्री होती है, लेकिन तीसरा एंट्री होता है कैपिटल रिजर्व वाला। वो कैसे करते हम लोग, ये देखो ये वाला फोरफीचर का एंट्री था, यहां पे शेयर कैपिटल शेयर फोरफीचर को कितने से क्रेडिट गया था 55,000। सेम उसकी रीइश्यू के केस में शेयर फोरफीचर को कितने का डेबिट गया 20,000, तो 55 में से 20 माइनस करो कितना रहेगा बैलेंस 35, तो क्या होगा शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा कैपिटल रिजर्व। लेकिन अमाउंट क्या होगा 55 में से ये 20 गए तो 35 डन, इतना एंट्री है भाई, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। आपको बस इतना रीइश्यू फोरफीचर में डरो मत, इतना ही सिंपल है। और लगता है तो 16 वाला सम अपन ने डिस्कस किया है, रीइश्यू का अलग से कंसेप्ट वीडियो भी तुमको दिया है, 3 घंटे का वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे डाल दिया अब तो, उसमें लास्ट के 1.5 घंटे बाद जाओ वापस समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये तो हो गया रिविजन, उस पर रीइश्यू में तो दिक्कत ही नहीं सर, रीइश्यू में आपके पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन रीइश्यू हमेशा कम प्राइस पे क्या रहेगा जितने भी तुम्हारे बोर्ड के समय, तो उसको डिस्काउंट होता है। लेकिन हम फोरफीचर रीइश्यू के केस में डिस्काउंट नहीं, क्या बोलते हैं शेयर फोरफीचर को डेबिट है, तो ऊपर क्रेडिट है इधर क्या है डेबिट है, ठीक है। और टू शेयर कैपिटल, रीइश्यू के केस में शेयर कैपिटल को हमेशा क्या जाएगा बेटा क्रेडिट, फोरफीचर के केस में उसे डेबिट जा रहा था, रीइश्यू के केस में क्या जाता है क्रेडिट, खत्म। और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो अपन क्या करते हैं ट्रांसफर करते, और ट्रांसफर करेंगे तो देखो क्रेडिट वाला एक्स्ट्रा बैलेंस बचा था, क्रेडिट में 55 था, डेबिट 20 माने माइनस के, तो अभी भी क्रेडिट में कितने बचे 35, वो ट्रांसफर करने तो उल्टा बैलेंस, तो क्रेडिट था तो उसको दे दिया शेयर कैपिटल को डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, डन, इतना ही है बस और कुछ नहीं है। तो आपको सिर्फ दिमाग लगाना है, सॉल्व करना है, और वहां पे डाउट आए तो फिर पूछना है, अरे क्वेश्चन समझेगा तुम लोग क्या करो उसको ना, इसलिए अभी क्या करो तुमको ये तो समझा कि कंपनी अकाउंट में ना सर प्रॉब्लम ना वो लैंग्वेज इंग्लिश की है, मतलब इन सिंपल वर्ड क्यों क्या बोल रहे 1000 में से, मतलब आपको वो इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल करो सर, वहां पे देखो क्यों क्या बोल रहे लैंग्वेज, जहां पे सब देखो इलस्ट्रेशन में तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा और पेपर में उस वही लैंग्वेज रहने वाला है, तो ट्राई करो और एक बार आपके आंसर सही आने लगे ना तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। डन हो गया, इतना ही फोरफीचर रीइश्यू डन बेटा, अभी कर, ये तुमको सिर्फ प्राइमरी इन्फॉर्मेशन मिला कि ऐसा है, अब तुम जब सॉल्व करोगे तो तुमको कंफर्मिटी मिलेगा कि हाँ कंफर्मेशन क्या भाई मेरे को जम रहा है, फिर भी डाउट आए तो मेरा 3 घंटे का लेक्चर है, हर एक सम डिस्कस है, वहां पे जाके फिर वापस एक बार रिकन्फर्म करो क्या रहेगा। डन, चलो, यस, थैंक यू।